रास्ता त्रिपाल यार, हालत ही बुरी होगी, बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा भी त्रिपाल बैठ गया। वरना करते हैं ना, जब ओनर खुद साथ होता है तो फिर तो वो करता है ऐसे काम। इट तो काफी होगी, आप भी देखो इतनी हाइट भाई। तो सब्सक्राइबर भाई का ऑटो चला रहे आज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल सेठिया एक्सप्रेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। तो करते हैं आप सबको आपको अपनी यूट्यूब चैनल में वेलकम। तो करते हैं व्लॉग स्टार्ट। कल भी मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो उसके लिए दिल से सॉरी। प्रॉब्लम तो यही हुई थी क्योंकि पूरी रात जाग रहे थे, आपने उस व्लॉग में देखा था जिस दिन हम मंडी पहुंचे थे दिल्ली, वहां पे पूरी रात मतलब जागे थे। तो फिर दिन को मुझे नींद ही पूरी नहीं होती, तो फिर मैंने सोचा नहीं आज व्लॉग कैंसिल ही कर देते, क्योंकि मतलब 10 बजे में नींद से उठा तो फिर 1-2 घंटे बैठे थे, फिर मतलब ऐसे ही बैठा था वीडियो एडिट कर रहा, तो मतलब 12 बजे नींद पड़ी फिर से। मतलब मैं 4 बजे उठ गया, 12 बजे से 4 बजे तक मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद पड़ी थी। तो फिर यहाँ ही बैठे थे तो कल लोडिंग भी नहीं हुई थी, तो आज इंशाल्लाह गाड़ी की लोडिंग भी कन्फर्म होगी तो स्टार्ट भी होगी लोडिंग। यहाँ से अभी टायर भर रहे, वो भी आपको अभी बैक से दिखाते हैं, बैक कैमरे से तो दिखाते आपको कहाँ पर अपनी गाड़ी की लोडिंग हो रही है। फिलहाल तो टायर भर रहे हैं गाड़ी में, फिर उसके बाद देखेंगे और कुछ माल भरना होगा तो वो भी डालेंगे, तो फिर इंशाल्लाह शाम को यहाँ से निकलेंगे। बस यही छोटे टायर है, बड़े भी भरने हैं भैया? बस यही छोटे, एक एक दांग कंप्लीट करके गिनेंगे। ठीक है, हो रही है अपनी गाड़ी लोड। ये देखो सजाद भाई कहाँ पे बैठा है, वो टायर हो रहे हैं लोड इस गाड़ी में से, फल्टी हो रही है अपनी गाड़ी में। तो फिलहाल भरने हैं टायर, उसके बाद देखेंगे दाल डालनी है पीछे से, और हाइट मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रही है, फिर उसको डाउन करना है। फिलहाल तो मतलब आगे आगे कर रहे ऊपर ऊपर, तो फिर पीछे से जब दाल डलेगी, वो तो वज़न है वज़न वाली, वो तो डाउन ही आ जाएगी, फिर उसके बाद टायर उसके बराबर कर देंगे। इस गाड़ी में से पल्टी हो रहा है, तो ये देखो इसमें कितने टायर आए हैं, तो हमारी गाड़ी में पलटी हो रही है, हमारी गाड़ी में पलटी हो रही है, पर टायर गिनना पड़ता है एक एक करके, क्योंकि अगर एक टायर काम हो जाएगा पता नहीं कितने पैसे का होगा, इसलिए ना गिनती करना पड़ता है साथ साथ में। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा यहाँ भी कंप्लीट, फिर निकलेंगे डालेंगे इसको पीछे से माल, और दाल डालनी है, फिर उसको भी डाउन करना है टायर को। होगी यहाँ पे टायर लोड कंप्लीट, पर हाइट तो काफ़ी होगी, आप भी देखो इतनी हाइट भाई। तो पीछे वाला एक बत्ता जो है वो खाली रखा है, इसमें डालने हैं अब दाल, दाल डालेंगे यही 5-6 टन, और बाकी टायर का वज़न होगा 3 टन, बाकी जो पीछे जगह बचा है इसमें डालेंगे दाल, तो हो जाएगा वज़न बराबर, मानो डबल रिपोर्ट। इससे बाड़ा अच्छा बन जाएगा, टायर का अलग बाड़ा है उसका अलग है। अब सजाद भाई ने निकाली गाड़ी, अब वहाँ पर लगाएंगे क्या बोलते हैं कंपनी के सामने। बस थोड़ा सी है पर डर लग रहा है टायर ना गिर जाए झटके से, वरना तो इसको रास्ता बांधना पड़ेगा। आराम से चलना सजाद भाई, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। मैं ना इतना डर रहा हूँ क्योंकि अगर टायर गिर गए नीचे इसमें जाएंगे कीचड़ में, तो फिर कैसे उठाएंगे इनको। अब इसलिए सजाद भाई को बोल रहा हूँ आराम आराम से चलो, बस थोड़ा सी है पर झटकों की वजह से ना मतलब डर लग रहा है कहीं गिर ना जाइए। अब चल रहे हैं आराम आराम से, सजाद भाई भी बस आगे लगानी है इधर थोड़ा सा आगे वहीं पे आराम से भाई। लाई हमने गाड़ी दूसरी जगह पे, ये देखो टायर में कितनी हाइट होगी, और ये देखो पीछे क्या माल लोड हुआ इसका। सजाद भाई क्या है, मक्की मक्की या मकाई? डबल रिपोर्ट बना दिया आज, कितना भाड़ा लगेगा अब टोटल? 45 अगर सिंगल माल लेते तो कितना बनता? 27। फिर तो हम बहुत मेहनत करते हैं ना, जब ओनर खुद साथ होता है तो फिर तो वो करता है ऐसे काम। हाँ हाँ। और वो टायर नीचे उतारे, अब इसको ये मतलब अभी 10-20 बोरा और डालने हैं, फिर उसके बाद लेवल कर लेंगे प्लान, और कर लेंगे अपना रसा त्रिपाल, निकलेंगे इंशाल्लाह शाम को यहाँ से अपने श्रीनगर की तरफ। ये यहाँ पे वापस उतारने पड़ गए, ये जो नीचे टायर नजर आ रहे हैं ना सारे, ये यहाँ पे लगे थे, ये उतारे, वो भी आधे उस साइड में है DSRS Logistics, इनको भी 2-2, 3-3 नीचे ही उतारेंगे इसके बराबर, देखेंगे कहाँ तक लेवल हो जाएगा।
हो गई लोडिंग कंप्लीट। अब सजाद भाई कर रहा है काम, टायर बराबर पीछे से, पर हाइट तो काफ़ी है। अब इसको लेवल करना है, बराबर करना है रसा त्रिपाल। सजाद भाई कर दो जल्दी से। बस अभी अभी अपना काम क्लियर कर दिया रसा त्रिपाल, पर हालत ही बुरी हो गई। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा भी त्रिपाल बैठ गया, वरना उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि वो आपने देखा टायर कैसे बैठे थे। तो अब मैं भी बहुत थक गया सच में। अब आपको मैं बैक से कैमरा से गाड़ी दिखाता हूँ कैसी लग रही है, ये भी बता देना ज़रूर कमेंट में। तो फिर जाते हैं, नहाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और हाथ वाथ धोएंगे। आज हालत ही बुरी होगी। बस अब निकलने के लिए तैयार है, शाम को निकलेंगे इंशाल्लाह। अब रसा त्रिपाल सब कुछ ओके, अब आप भी बताना कैसी लग रही है गाड़ी। पर मैं तो बहुत थक गया, मैं तो इतना ही बोलूँगा। बड़ी मुश्किल से मतलब एडजस्ट हो गए ये टायर वायर, बस कम से कम 2-3 घंटे से कंटिन्यू डाल रहे थे त्रिपाल, वो लेवल कर रहे थे टायरों की, क्योंकि हालत ही बुरी थी ना, वो उल्टे बैठे थे ना, ज़्यादा हाइट भी थी, फिर लेवल कर दी, सेंटर सेंटर में डाले और साइड साइड में कर दिया अपने हिसाब से। तो त्रिपाल उपाल भी देखो हालत क्या हो गई, ऊपर से इतनी भूख लगी ना पूछो मत। अपना काम क्लियर करके रखा था रसा त्रिपाल, तो आपको अभी दिखाया था। अब मैंने मतलब क्या काम, मैंने आपको अभी बोला था नहाना है, क्योंकि बुरी हालत हो गई है त्रिपाल से, क्योंकि उस पर ज़्यादा मिट्टी होती है, उसकी वजह से ना मतलब कपड़े वपड़े सारे ख़राब हो गए। अब कपड़े वपड़े भी चेंज किए, ट्राउज़र एक था साफ ही हो रही है, थर्मा कट ही लगाया, क्योंकि कपड़े तो साथ में आए ही नहीं, वो तो मैंने आपको पहले भी बोला। अब इंशाल्लाह कल आएंगे नए, और एक भाई मिलने के लिए आए बड़ी दूर से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बस बढ़िया बढ़िया। मैं गया था नहाने के लिए तो भाई यहीं पर वेट कर रहा था, जब भी मैं वहाँ से आया तो भाई ने मुझे देखा, बोला सेठी भाई मैं कब से वेट कर रहा था। मैंने बोला भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं नहाने के लिए गया था इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। और भाई क्या नाम है? अरवीश। अरवीश भाई का नाम, इसके घर वालों से भी अभी बात की तो वीडियो कॉल पे बहुत प्यार दिखाया, शुक्रिया उन सब का भी, उनको भी मतलब मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि एक आम इंसान को इतना खास बनाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, सबको दिल से लव यू। और क्या नाम है? अरवीश। अरवीश भाई आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई, बहुत दूर से मिलने के लिए आया, कहाँ? मुंडका। मुंडका से। मुंडका से मिलने के लिए आया। और भी एक भाई आ रहा है राहुल भाई, जो कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा था जब हम दिल्ली आए थे, उससे भी आप मिलते, वो अभी कॉल कर रहा है, तो आप उसी के पास चलते, आप भी चलो। ठीक है भाई, अपने राहुल भाई को इंतजार कर रहे हैं, शायद आज नए ऑटो में आ। फाइनली मिल गए अपना राहुल भाई आज फिर से एक बार। राहुल भाई हाय कर दो पहले। राहुल भाई बहुत दूर से मिलने के लिए आया, और इसके साथ और दो भाई, क्या नाम है भाई? पंकज भाई का नाम। कहाँ से आए अभी आप मिलने के लिए? यमुना बिहार। यमुना बिहार से। यमुना बिहार से, वो तो मुझे पता नहीं है कहाँ पे। और भी एक भाई आया था अभी मिलने के लिए, वो तो चला गया घर। अब राहुल भाई के ऑटो में बैठे हैं, तो आप चलेंगे अपनी गाड़ी के पास, वहाँ पे थोड़ा इनको फोटो उठाना है, तो फिर उसके बाद करेंगे राहुल भाई से बातें, और इन भाइयों से भी। पर डर लग रहा है, पता नहीं इतना तेज चल रहा है ना, पूछो मत, उस दिन मैंने देखा। अब आता है मुझे चलाना कि नहीं, ये मत बोलो। एक बार चलाना है, ऑटो भी चलाएगा, ऑटो भी चलाएगा। छोड़ दो, कहाँ से होगा? क्लच छोड़ दो, चाबी घुमा दो, क्लच छोड़ दो। चलो चलो खोलो लाद, बैठेंगे गाड़ी में 5-10 मिनट। ठीक है, तो अब कर लेते राहुल भाई को भाई, क्योंकि इनको भी काफी लेट हो गया। राहुल भाई अब भाई करो सबको, और भाई ओके ब्रो बाय, और लास्ट में कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं बस भाई से दोबारा थैंक यू, अच्छा मिला आपसे मिलके भाई, अच्छा लगा सेठी भाई से मिलके। यस इंशाल्लाह आप जल्दी आएंगे वापस दिल्ली, तो फिर अच्छे से मिलेंगे। अभी मतलब रात हो गई ना, इसलिए अब हमें भी निकलना है ना अपने सफर की तरफ। लोडिंग तो कंप्लीट हो गई, आप लोगों ने तो देखा। अब भाइयों से किया मतलब खूब सारे बातें, तब से बैठे थे गाड़ी में, चाय वाय भी पिलाया भाइयों को। तो सेठी भाई ने आज पूरी खातिर पानी करी हमारी। अब इनको बाय कर लेते, क्योंकि यहाँ से सफर बहुत है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर यहाँ से। 30, और ठंड है, शाम को ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए इनको आप बाय करते, हम भी चलते। तो राहुल भाई बाय करो सबको। ओके बाय। ओके बाय। टाइम हो गया शाम के 8, तो तब तक बैठे थे गाड़ी में, उन भाइयों को कर दिया था बाय, पर ठंड बहुत लग रही है। अब मैंने ये
स्वेटर लगा दी क्योंकि मुझे लग रहा है कि बुखार चढ़ गया। ठंडे पानी से शाम को नहाया ना, क्योंकि त्रिपाल डालते डालते हालत ही बुरी होगी। फिर मतलब मैंने सोचा नहाएंगे क्योंकि कपड़े वपड़े गंदे हो गए, तो फिर कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो अब मुझे मतलब कुछ अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि सर में बहुत दर्द और गर्दन में पीछे, और मुझे लग रहा है कि बुखार चढ़ गया। तो अब क्या करें, अब सजाद भाई ने वो कागज़ वागज लाए, तो अब बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, कर लेंगे अपना सफ़र स्टार्ट। तो तब तक मैं बनाऊँगा खाना, चावल सब्जी तो बना के, अब फिलहाल चावल तब तक बना के रखेंगे, फिर निकलेंगे आराम से। टाइम हो गया शाम के 10, तो फाइनली हम निकल गए यहाँ से, कर दिया अपना सफ़र स्टार्ट, और सजाद भाई चला रहा है गाड़ी और हम भी निकल गए यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर से, कर देंगे ट्रांसपोर्ट नगर को बाय। तो देखते हैं कहाँ तक चले गए आज सजाद भाई, पूरी रात चलेगा क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ गया। मैंने नहाया था सुबह के टाइम, सॉरी वो शाम के टाइम रसा त्रिपाल बंद करने के बाद मैंने नहाया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बुखार चढ़ गया, इसलिए अब सजाद भाई आज पूरी रात चलेगा। चल रहे थे कंटिन्यू, तो अभी टाइम हो गया सुबह के 4, पहुँच गए मुल्तानी ढाबे पे, यहाँ तक चल रहा था सजाद भाई, तो अब वो सो गया। अब मैंने यहाँ पे चाय वाय पी और अब मैं निकलूँगा यहाँ से, कर लूँगा अपना सफ़र स्टार्ट। मुल्तानी ढाबे से निकल के आए, तो चल रहे हैं कंटिन्यू, अब मैं चला रहा हूँ गाड़ी। तो टाइम हो गया सुबह के 4:30 शायद, तो कल मैं सोया था 11 बजे, तो 4 बजे मैं अभी उठा नींद से मुल्तानी ढाबे पे, वहाँ तक चला रहा था सजाद भाई गाड़ी, तो वहाँ से सजाद भाई सो गया। तो अब मैं चला रहा हूँ गाड़ी मुल्तानी ढाबे पे, पी चाय वाय तो निकला, तो चल रही अभी पहुँच गए खन्ना। बस करते हैं अब आज का व्लॉग यहीं पे एंड, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।